नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी। माता पिता अपने बच्चों को विरासत में अच्छे संस्कार, अच्छा भविष्य देने की चाहत में दिन रात मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो जाने अनजाने में अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में बीमारियां दे सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ जेनेटिक यानी हेरिडिटरी डिजीजेस की, जिनसे बचना भी बेहद जरूरी है, वरना वो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार को अपना शिकार बनाती रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं सुरभि। दरअसल हमारा शरीर सेल से मिलकर बना होता है और हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से बच्चों तक लेकर आते हैं। इनमें कई बार कुछ बीमारियाँ भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, इसलिए इन्हें जेनेटिक बीमारियाँ कहते हैं। कई हेरिडिटरी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जिनका इलाज किया जा सकता है और इनसे बचा भी जा सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और साइंस दिल्ली में छपी रिपोर्ट की भी अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक योग और मेडिटेशन से डीएनए के रिएक्शन को रिवर्स भी किया जा सकता है और बीमारियों की फैमिली चेन को तोड़ा जा सकता है। योग की इसी ताकत को हम तक पहुंचाने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम सुरभि जी, आपको भी, मीनाक्षी जी आपको भी, और हम सबके आरोग्य के लिए रोज योग और यज्ञ कर रहे हैं और आहुति हम रोज ही देते हैं। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्न मम, ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्न मम, ओम आरोग्याय स्वाहा। तो ऐसे हम रोज यहाँ पर योग और यज्ञ कराते हुए असाध्य रोगों को मिटा रहे हैं। और अभी तक तो मुझे पता नहीं लगा है कि कौन सी ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो ठीक नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ जो भी साधक हैं, जो यहाँ पर आरोग्य के लिए आए हुए हैं, उनकी हमने ये सारी बीमारियाँ मिटाई हैं। जैसे मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ और इसमें सबसे ज़्यादा लाभ करता है प्राणायाम। ये सुनिधि बैठी है, ये तो पूरा परिवार जेनेटिक बीमारियों का एक प्रतीक है। ऐसे जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक ऐसे अलग अलग बीमारियों की चैन, उसको आज हमें तोड़ना है। तो प्राणायाम से शुरुआत कर रहे हैं और तुमको हुआ जो है थायराइड, पहले माँ को दो। हाँ, मुझे थायराइड हुआ था। तो इसमें ये ठीक होगा प्राणायाम से, इसलिए प्राणायाम से आज शुरुआत करेंगे। हाँ, मुझे थायराइड हुआ तो मेरा थायराइड ठीक हो गया। मैंने दवाई भी छोड़ दी। किससे हुआ? मुझे थायराइड अब पता नहीं है क्या, लेकिन इसकी बेटी को हो गया। हाँ, लेकिन मेरी बेटी को ये सुनिधि है, इसकी बेटी बगल में मेरे बेटे को भी थायराइड है। हाँ, लेकिन मेरे बेटे को भी थायराइड है, वो बेटे को भी, बेटी को भी, बेटी को भी। तो जेनेटिक थायराइड यहाँ से शुरू हुआ, पीछे का पता नहीं था। अब इसने तुम्हारी थायराइड की गोली का क्या हाल है? मैंने थायराइड की गोली छोड़ दी है बिल्कुल, अब मैं थायराइड की कोई गोली नहीं खाती। कब आई थी योग्राम? मैं अभी, मुझे एक अभी यहाँ तो मुझे दूसरा दिन हुआ है। एक महीने पहले आके गई थी। हाँ, एक महीने पहले आके गई थी। तो इसने थायराइड इसका ठीक कर लिया, अब अपनी बेटी को लेके आई है। तुम्हें क्या क्या बेटा, थायराइड? और मुझे थायराइड है स्वामी जी, और मुझे डॉक्टर ने ट्रायल एंड बेसिस पे टीबी की मेडिसिन पे रखा। अब देखो ये और काम कि बीमारी का पता नहीं लग रहा। तुम्हारा फेफड़ा ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। पेट ठीक है? सिटी स्कैन सब नॉर्मल। तो इसको सस्पेंशन में टीबी की दवाई शुरू कर दी मैंने, इसकी बंद कर दी और थायराइड भी इसका ठीक करूंगा। और पिताजी को देना। तुम्हें क्या था स्वामी जी? प्रणायाम। मैं, मुझे कोरोना हुआ था नवंबर में। हमारे यहाँ फैमिली जेनेटिकली डायबिटिक है। जेनेटिकली डायबिटीज है फैमिली में। तो वो कपाल भाती, पिताजी मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, 5-5 मिनट आसन और आधा घंटा प्राणायाम। अब क्या हाल है तुम्हारे शुगर का? स्वामी जी मैं अभी 26 दिसंबर में गया था कैंप करके, और उसके बाद में शुगर की दवाई मेरी बंद हो गई थी। कोरोना में मैं स्टेरॉइड्स पे था और शुगर भी मेरी बढ़ गई थी, लेकिन अभी मेरी शुगर की सभी दवाई बंद है। तो मैं दोबारा से स्वामी जी फिर इसीलिए आया हूँ कि जो मैंने मेरी शुगर की दवाइयाँ छूटी हैं वो बरकरार रहे। अब जेनेटिक शुगर उसको ठीक कर लिया है और अब अभी सारी दवाइयाँ बंद है? सब बंद है। ये तो थी जेनेटिक थायराइड और शुगर की बात।
तुमको क्या था बेटा? इसको भी हेरिडिटी से शुगर था? मेरे बाबा से था। बाबा से? तो बाबा से शुगर आया, पिताजी को भी है? पिताजी को, चाचा भी, चाचा जी। स्वामी जी, जेनेटिक बीमारियों के जितने भी केसेस अभी हम सुन रहे हैं, एक चिंता इनके जहन में नजर आती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम देख रहे हैं ये बीमारी आगे बढ़ी है। मेरा सवाल आपसे यही है, और दर्शक भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आपके खानदान में कोई जेनेटिक बीमारी है जिसे आपने योग से हराया हो? तो देखो, तीन पीढ़ी से तो शुगर था, अब क्या हाल है बेटा? 100 और 102 है। 100 और 102 आ गया इसका। और दवाई बंद? दवाई तो जब से यहाँ आया हूँ 7 से मेरा पूरा बंद है, दवा सब कुछ बंद है। सब दवा बंद है। कपाल भाती के साथ मंडूक आसन करवाते हैं। और इसको देना, इसको तो बुरा हाल हो गया था, इसका हाथ ऐसे लेके आया था। क्या नाम है बेटा? स्वामी, स्वामी जी मेरा नाम आदर्श है। आदर्श है, कहाँ से हो? मैं गोंडा से स्वामी जी आया हूँ। गोंडा से? हाथ ऐसे था इसका, खड़ा हो जाओ। कैसे था हाथ? हाँ स्वामी जी, ऐसे था मैं। हाथ ऐसे था, एम्स में बोल दिया था अब जिंदगी भर ऐसे रहेगा। कोई नहीं, कभी कोई इलाज नहीं है बोला। अब हाथ नीचे आ गया है। और क्या क्या था? और स्वामी जी नींद भी नहीं आ रही थी, सो नहीं पा रहा था, कुछ काम नहीं कर पा रहा था स्वामी जी। हाँ। और डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ। और दवाई दी तो उससे मेरी आँख खराब हो गई डॉक्टर स्वामी जी, मेरी आई साइट वीक हो गई बहुत। अब क्या हाल है आँख का? अब ठीक है स्वामी जी, बिल्कुल। अब आँख भी ठीक कर ली, हाथ भी नीचे ठीक कर ली, और ये हाथ जो ऊपर ऐसे रह गया था वो नीचे आ गया है, थोड़ी कमजोरी रहे वो जी, जी, जी। कि 7 ही दिन हुए इसको। जी जी। जेनेटिक, अब इसको जेनेटिक कैंसर है। किस किस को कैंसर हुआ है? मंडू का आसन करो और ये डायबिटीज क्योर होगी इससे। हाँ। स्वामी प्रणाम, मेरी माता जी को था, वो 2016 में एक्सपायर हो गई है। मुझे पिछले जून में ये मुंह का कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और मैं मुझे बहुत थकान और ये सलीब प्रोग्रेशन रहती थी। कितने दिन हुए यहाँ? यहाँ भी मुझे 30 रात है स्वामी। 30 ही दिन है इधर कैंसर। और किसकी फैमिली में? इसकी फैमिली में। और इसने हरा दिया है कैंसर को। किस किस को था कैंसर? स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम बजरंग राठी है, और मेरे को सन 2004 के अंदर प्रोस्टेट का कैंसर हो गया था। मेरी मदर को भी कैंसर हो करके, वो कैंसर से ही उनकी डेथ हुई है, और मेरे नाना जी को भी कैंसर था, और मेरी सिस्टर है जो जयपुर में रहती है उनको भी कैंसर है, और वो ठीक है, अभी प्राणायाम कर रही है। और मैंने 2004 के बाद में आज तक मैंने सब टेस्टिंग हो रही है, मैं बिल्कुल 2004 से कोई दवाई नहीं ली है, कोई दवाई। ये मेरा पुराना शिष्य है स्वामी जी, ऐसे कई लोग हैं जिनके योग के माध्यम से कुछ भी हो जाए बीमारी दूर हुई है। लेकिन अगर खानदान में, परिवार में डायबिटीज है, मंडूक आसन का आपने जिक्र किया, डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? नमस्कार स्वामी जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, प्रेम कथुरिया। तो डायबिटीज के लिए तो मंडूक आसन करना है कपाल भाती के साथ, फिर ये वक्रासन करना है, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 5-5 मिनट करने। इसके भी परिवार में कितनों को कैंसर है? हाँ जी, हमारे परिवार में कम से कम 15-20 लोग जो हैं कैंसर की बीमारी से जा चुके हैं। 3 पीढ़ियां इसी बीमारी से ग्रस्त है। 3 पीढ़ियों में? अब जिसको भी टेस्ट कराओ बोलती है उसी को कैंसर। हाँ जी, उसी को कैंसर ही निकलता है, कोई और बीमारी निकलती ही नहीं। बीपी ना शुगर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल स्वस्थ होते हुए एकदम से बीमारी आती है कैंसर। तुम्हारा तो बेटा भी कैंसर से? बेटा हमारा, बेटा प्रेंटी उम्र से जा चुका है 19 साल का, 10 साल पहले। लेकिन मैंने, मुझे भी बताया था फाइब्रॉइड कुछ बताया था 10 साल पहले, तो मैंने लेकिन प्राणायाम करके अपना ठीक कर लिया। उन्होंने कहा था यूट्रस निकलवा दीजिए, मैंने नहीं निकलवाया, और मैंने ठीक कर चुकी हूँ अपना थायराइड और पीढ़ियों से कैंसर की चयन चल रही है। इसने तो अपने आप को ठीक कर लिया, अपने पति को लेके आई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी के मार्गदर्शन से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल प्रणाम स्वामी जी। तो आप जो बोल रहे थे सुरभि जी, ये वक्रासन और गोमुखासन ये अभी करवा रहा हूँ, और ये बीपी वाले हैं इनको देना भाई। ये तो अभय जी, कितने सालों से बीपी था? 20 वर्ष है स्वामी जी। 20 वर्ष जी। किसको था पहले? मदर को था, मौसी को भी। मदर को, मौसी को। मदर को, मौसी को, माँ की साइड से बीपी आया था। ये प्राणायाम से अच्छा होता है, खास बात बता रहा हूँ, आसन मदद करेंगे। अब आप तुम्हारी क्या हाल है स्वामी जी? मेरा भी जब मैं आया था यहाँ पे तो मैंने मुकेश जी नपाया तो 80 और 130 था मेरा भी। 80 130 जी। अब दवाइयाँ कब से बंद है? दवाई तो मैंने पिछले 15-20 दिन से बंद कर दी थी, यहाँ आने से पहले बंद कर दी थी। पहले मुक्तावटी ले रहे थे जो हम पतंजलि की देते हैं आयुर्वेद, वो भी बंद कर दी।
क्योंकि इसलिए बंद कर दी स्वामी जी कि आपकी जो व्यवस्था है यहाँ पे, जो कैंटीन का जो आपका उत्कृष्ट जो भोजन है, उसी से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ पे आकर लोग कहते हैं बाबा जी ने कोई चमत्कार कर दिया, क्या ये कर दिया। जो आपका जो उत्कृष्ट प्रबंधन है पूरा ये पतंजलि का, ये अपने आप में एक मिसाल है। तो खान पान ठीक करवाते हैं सुबह से शाम तक। स्वामी जी, आपके आसपास जितने लोग बता रहे हैं उनकी बात तो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार अब खत्म करिए, क्योंकि वो योग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन सी योग क्रियाएं किए जाए जिससे डायबिटीज के साथ साथ बीपी भी क्योर हो सके, क्योंकि लाइफस्टाइल जो हमारा है उसमें यंगस्टर्स भी बीपी का शिकार हो जाते हैं। योग हम रोज ही बता रहे हैं सुरभि जी, और उसमें मेन है कपालभाति और अनुलोम विलोम। जिनको जेनेटिक बीपी है उनको हम एक एक घंटा करवाते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक कैंसर तक, जेनेटिक आर्थराइटिस तक अच्छा कर सकते हो, लेकिन कैसे होगा? खाली एक दो मिनट कर लिया आसन नहीं, आसन करना है 5 मिनट, चाहे गोमुख आसन हो या पवन मुक्तासन हो या उत्तान पादासन, ये तो डायबिटीज के लिए बता रहे हैं। और प्राणायाम जो है बीपी के लिए तो खाली सूक्ष्म व्यायाम और भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा शीतली शीतकारी और करना पड़ता है। तुमने कितनी कितनी देर किया है प्राणायाम? मेरे आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा आधा घंटा करने से 10-15 मिनट तक भस्त्रिका, 10-15 मिनट भस्त्रिका। और किसको था जेनेटिक? इसको पीछे को देना, धर्मेंद्र जी को। तो देखो एक बात हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर सुरभि जी कि आसन, अब जैसे मैं कर रहा हूं पवन मुक्तासन, ये 5 मिनट करना है, 5 मिनट एक बार में तो नहीं होगा, तो एक एक मिनट करके पवन मुक्तासन किया, फिर उत्तान पादासन किया, फिर नौकासन किया। अब एक एक मिनट करके 5 राउंड कर लें तो 5 बार हो जाएगा डायबिटीज ठीक। और अनुलोम विलोम 10-10, 15-15 मिनट करके आधा एक घंटा करना है। तो देखो जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, तो 5 मिनट सर्वांगासन करना पड़ेगा, 5 मिनट हलासन करना पड़ेगा, 5-5 मिनट एक एक आसन करना पड़ेगा, और उज्जाई करना पड़ेगा 11-11 बार, थायराइड ठीक हो जाएगा। स्वामी जी आपकी बात सुनकर मैं ये जरूर समझ पा रही हूँ, इतनी सी है जो योग की क्रिया जितनी देर करनी है उतनी देर करना पड़ेगा सुरभि जी। और मुझे लगता है अगर यंगस्टर्स इसे अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना लें, क्या करते हैं टीनेज 5 बार किया भस्त्रिका जी, टीनेजर्स अगर इसे करें, यंगस्टर्स इसे करें रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए, तो जेनेटिक बीमारी चाहे कोई भी हो उसका क्योर योग ही है। देखो सुरभि जी किसी उम्र का हो, छोटे बच्चे हो, अब जैसे छोटा बाबू इधर, अब ये कपाल भाती बचपन से ही करने लग गया, अब इसको जेनेटिकली थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी कोई नहीं होगी बेटा आपको। क्या नाम है आपका? रेहांश। चलो करो कपाल भाती करो। ओम स्वामी जी। तुमको कितने साल से था? स्वामी जी मेरे को 5 साल से बीपी है और 151/100 रहता था मेरा। मेरे पिताजी की मौत जो हुई है वो ब्रेन स्ट्रोक से हुई है, और मेदांता में वो एडमिट हुए थे, एक बार ठीक होकर घर चले गए, उसके बाद फिर वो 2 महीने बाद उनको अटैक हुआ और फिर कोमा में चले गए स्वामी जी 3 महीने तक, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। बीपी के कारण से पिता की डेथ हुई। अब तुम्हारी क्या हालत है? स्वामी जी मैं जब यहाँ आया था तो मेरा जो बीपी था वो 151/100 था, और बगैर किसी दवाई के 3 दिन में मेरा बीपी 110/70 हो गया। 110/70 हो गया है, और पिता की मौत बीपी के कारण से हुई है। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, और एक बात के ऊपर सुरभि जी मैं सबसे ज्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूँ सबका, प्राणायाम आधा आधा घंटा एक एक घंटा करना पड़ता है। जेनेटिक जो चैन है उसको तोड़ने के लिए 5-10 मिनट से सामान्य बीमारियों में लाभ होगा, लेकिन जेनेटिक बीमारियां एक एक घंटा कपालभाति, एक एक घंटा अनुलोम विलोम, तो चैन
टू टेक। स्वामी जी जितनी बीमारियों का हम आज जिक्र कर रहे हैं, एलर्जीज की जहां तक हम बात करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम करना, वो एलर्जीज एस्थमा में एस्थमा तक कन्वर्ट हो जाती है। और एस्थमा भी एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। स्वामी जी आप एस्थमा के बारे में भी बताइएगा, लेकिन आप जब भी कहते हैं कि कपाल भाती को कम से कम 15 मिनट तो करना ही चाहिए, तो इसके बीच में ब्रेक कितना लेना चाहिए? क्योंकि आपने ये भी कहा है कि 62 स्ट्रोक्स होने चाहिए 62 सेकंड में, तो क्या ब्रेक ले लेके करना चाहिए? देखो 5 मिनट के बाद आधा मिनट से 1 मिनट का रेस्ट पर्याप्त है। जैसे कपाल भाती 1 सेकंड 1 स्ट्रोक भी किया करो बाबू, तो 5 मिनट में 300 बार हो जाएगा। फिर आधा से 1 मिनट बीच में रेस्ट करें, फिर दोबारा करें। और अभ्यास के बाद तो कंटिन्यू 15 मिनट से आधा घंटा से लेकर के 1-1 घंटा में करवाता हूँ लोगों से। और पैरालिसिस भी, तुम्हारी किसी को हुआ था पैरालिसिस? नहीं स्वामी जी, मैं मेरी मदर इन लॉ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ भी 1 महीना पहले। ब्रेन स्ट्रोक हुआ 1 महीने पहले और अनुलोम विलोम से ही उन्होंने अपने आप को ठीक किया। कितने और दिन लगे? सिर्फ 1 हफ्ता लगा स्वामी। 1 हफ्ता में ब्रेन स्ट्रोक को रिकवर कर लिया? कितनी देर करती थी अनुलोम विलोम? मतलब जब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ स्वामी जी तब से उन्होंने बराबर, वाइफ ने कराया लगातार सुबह दोपहर शाम करती रही, 1 सप्ताह में ब्रेन स्ट्रोक को रिकवर कर लिया। और इस समय तो आप जो बात कर रहे थे, अब उसको दो मुंबई वाली बहन को, कि कितनी देर में आराम करना, अब जाओ अब वही करो रेहान सिंह मम्मी के साथ। अनुलोम विलोम कपाल भाती के बीच में 5 मिनट के बाद आधा से 1 मिनट का गैप दे सकते हैं, लेकिन अभ्यास के बाद लगातार हम करवाते हैं। और इसी से ही बीपी को क्योर करते हैं, इसी से ही हम कैंसर तक को क्योर करते हैं। मैंने 8-8 घंटा तक करवाया है। आप तो 15 मिनट में ही घबरा जाते हैं, 15 मिनट आधा घंटा बहुत लगता है, लेकिन सामने मौत खड़ी है तो उसको भी पराजित कर सकते हैं। तो ये अनुलोम विलोम चाहे वो अस्थमा, अब अस्थमा है और हवन के साथ करें तो यज्ञ का धूम्र भी जो है वो काम आता है। हवन के साथ करें, आधा घंटा हम भस्त्रिका करवा देते हैं अस्थमा वालों का, पहले ही दिन से इनहेलर बंद, सार्कोइडाइसिस ठीक, हल्दी अदरक लहसुन प्याज का लेप लगाते हैं, हवन के साथ में उसको योग के साथ यज्ञ का उपयोग करवाते हैं। और फेफड़े की एलर्जी, अस्थमा भी जेनेटिकली होता है जी, वात पित्त कफ तीनों जेनेटिकली होते हैं, उनको हम हराते हैं। बस एक ही बात है, प्राणायाम की मात्रा धीरे 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 बढ़ाते चले जाते हैं, 5-10-15 मिनट से लेके 1-1 घंटा। और SLMS ऑटोमेन डिजीज, अभी हमारे भाई बैठे हैं, इसको ऑटोमेन डिजीज हो गया। जी आपने प्राणायाम का जिक्र किया, इसका फादर है। अरे रेहान तुम रहने दो, तुम्हारे पिता को बुलाया है। स्वामी जी एक बात जो ज्यादातर लोग योग प्रैक्टिस करते हैं वो कहते हैं प्राणायाम जब वो करते हैं तो बैक पेन भी थोड़ा उनको असर करता है। जाहिर सी बात है योग में पोस्चर्स बहुत मैटर करते हैं, और प्राणायाम से बैक एक का जो लिंक है और जो शिकायत है उसे कैसे ठीक करें? अब देखो बैक एक जिनको होता है उनको कहते धीरे धीरे करो, और उसके लिए 4 आसन भी करो, तो मैं 4 आसन भी बताता हूँ। तुम्हारे को क्या क्या हुआ था जी? ओम और कोटि कोटि नमन। मुझे लॉकडाउन में, मैं योगा टीचर हूँ और बोईसर जिले की जिला प्रभारी हूँ, तहसील प्रभारी हूँ, और बॉम्बे से आई हूँ। और मुझे क्या यहाँ पे सब बोल रहे थे कि नहीं योगग्राम में ऐसा नहीं हो रहा, तो पहले मैं सबसे पहले इसीलिए आई हूँ योगग्राम में सब कुछ निरीक्षण करने, देखने, अनुभव करने। तो क्यों क्या हुआ था पहले? तो मुझे ये स्कूटी से गिर गई थी और मेरे यहाँ फ्रैक्चर हो गया था। मैं क्लास ले रही थी, सबने बोला कि अभी तो क्लास बंद करनी पड़ेगी, डॉक्टर ने एक्सरे किया कि, और फ्रैक्चर भी स्वामी जी ऐसा हुआ था कि वो बोला कि 2-6 महीने लगेंगे आपको ठीक होने में, लेकिन मैंने 1 घंटा कपाल भाती और 1 घंटा अनुलोम विलोम लेटे लेटे किया, 4 दिन हो गए
पांचवे दिन मैंने कहा ये, मेरे हस्बैंड बोलने लगे तू ये पट्टी मत निकालना। मैंने कहा अच्छा, तो जब वो हट चले जाते थे ऑफिस तो मैं पट्टी थोड़ा सा निकाल के हाथ को ऐसे ऐसे घुमाती थी। तो चार दिन बाद फिर हॉस्पिटल गई। उन्होंने कहा, मैंने कहा ये योगा बिल्कुल नहीं करेगी। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये योगा करती है, तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा योगा बिल्कुल नहीं करोगी तुम। पांचवे दिन स्वामी जी मैंने अपनी ऑनलाइन में मैसेज डाल दिया कि नहीं आप सब क्लास लेके आ जाइए। मेरे बच्चे भी मना करते थे। और देखिए मैं हर तरीके के आसन, कठिन आसन, पांच दिन बाद डॉक्टर के पास गई। ये मैंने प्रूव किया। पांच दिन में मैंने हड्डी, टूटी हड्डी को जोड़ दिया, टूटी हड्डी को जोड़ा मैंने पांच दिन में। तो कैसे जोड़ा? आप कमर का एक घंटा मैंने कपालभाति किया। अब आप बोल रहे थे कमर के लिए, अभी मैंने उस्ट्रासन किया। और मेरे घर में देखो, मैं सबसे बड़ी हूँ तो मेरे पापा, ठीक है, तो मैं, मेरे स्वामी जी वहाँ तो आप लोगों का अनुभव जानते हैं, यहाँ तो हम मीनाक्षी से उनके अनुभव का भी जिक्र करते हैं। जेनेटिक फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर और इन सबको लेकर इन्हें कैसा फील होता है, क्योंकि ये भी रेगुलर योग करने का दर्द। एस्थमा जैसे स्वामी जी बता रहे थे फुरभी कि ये भी जेनेटिक होता है। तो और स्वामी जी ये सही बात है, मेरी फैमिली हिस्ट्री में एस्थमा है, मेरे दादी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, और माइनर मुझे भी था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन प्राणायाम का लाभ मिलता है। और मैं ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ फुरभी, ये मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज है। मोरोवर अगर आपको आपके घर के सदस्य योग करते हुए देखते हैं तो मुझे लगता है उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि वो योग करने लग गए। बहरहाल स्वामी जी आप बताए थे कमर के लिए, तो जेनेटिक बीमारियों की चैन टूटती है, ये बात सत्य है सुरभि जी, और मैंने तोड़ी है। इसलिए आज मैं ये सारे लोगों के एक्सपीरियंस ने तो बातें रह जाती है कि ये बीमारी ठीक हो जाती है, ये बीमारी ठीक हो जाती है। हमने करके दिखाया, लाइव एग्जांपल है मेरे पास, और पूरी दुनिया में, पूरी मेडिकल साइंस में कोई एलोपैथी में खास करके दवाई नहीं है कि जिससे कोई जेनेटिक बीमारियों की चैन को तोड़ सके। आप कमर के लिए पूछ रहे थे, कमर के लिए भी मैंने बता दिया, और मैंने कमर की भी, जिनको ये जेनेटिक बीमारी होती है, आर्थराइटिस से लेकर के सर्वाइकल स्पोलाइटिस, एंकोलोजिक स्पोलाइटिस भी जेनेटिक होता है, उस चैन को भी तोड़ दिया है। और ये कमर के आसन, लास्ट में मरकटासन करवा देते हैं। आपने कमर के लिए पूछा था, हाँ, कमर दर्द वालों को धीरे धीरे योगाभ्यास कराते हैं, और अभी तो इससे बड़ी ऑटोमेन डिजीज, इनकी चैन तैयार हो रही है। यदि योग नहीं किया तो ऑटोमेन डिजीज भी आगे ट्रांसफर होंगी। अभी जैसे मेरे साथ ये एकदम जवान लड़का है, तुमको कब से हुआ बेटा, क्या बीमारी बताइए? स्वामी जी मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है। फाइब्रोमाइल्जिया बता दिया इसको, उसमें होता क्या है? आगे हो जाओ थोड़ा। इसमें शरीर में झंझनाहट रहती है, कंपन रहती है, चलने में दिक्कत होती है, पैरों में वीकनेस रहती है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है, आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है। अब ये अब ऑटोमेन डिजीज, ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये भी चैन टूटेगी। अब जैसे भाई आए, अब इसको एक सप्ताह में ये सारी चीजें इसकी मैं ठीक करने वाला हूँ, माने आईबीएस से लेकर के, और जो भी इसको सिम्टम्स आ रहे हैं ऑटोमेन डिजीज के कारण से, ये सारे एक सप्ताह के अंदर ही रिवर्स हो जाएगी सारी बीमारियां। ये है बड़ी बात। लेकिन क्या करना पड़ेगा? करना यही पड़ेगा, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट करो बेटा, कपालभाति 15 मिनट से आधा घंटा, और ज्यादा है तो 1 घंटा, और अनुलोम विलोम ये 1-1 घंटे तक करवा देते हैं तो ये चैन टूटती है। नहीं तो सामान्य रूप से योग की किसी किताब में नहीं लिखा है कि योग से जेनेटिक बीमारियां दूर होती हैं, योग से ऑटोमेन डिजीज ठीक होती है, पार्किंसंस पैरालिसिस अच्छा होता है। योग की किसी किताब में नहीं लिखा था आज तक कि हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। हमने कोलेट्रल आर्टरियां तैयार कर दिए लोगों के हार्ट के ऑपरेशन से, आँख के ऑपरेशन से, घुटने के, कमर के ऑपरेशन से। एक तो यहाँ पर बैठा है, इसने तो कितने ऑपरेशन करवा रखे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि हार्ट डिजीज भी हो, 26 ऑपरेशन के जरिए क्योर हो सकते हैं, और क्या वो भी जेनेटिक होते हैं? वैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1999। अरे हार्ट की प्रॉब्लम भी जेनेटिक होती है, सारा का सारा। अभी तो आपने बताया जी कि जीन्स के माध्यम से, क्रोमोसोम्स के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से बीमारियां ट्रांसफर होती है, तो सब बीमारी, आंख, नाक, कान, गले की, बवासीर तक की बीमारी जेनेटिक होती है। देखो ये ठीक करके बैठी भी, इधर
इसके तो कितने जगह से टूटा हुआ है? ये सर पैर में फ्रैक्चर हुआ। 26 ऑपरेशन हुए इसके पैर के। इन्फेक्शन हो गया था, पैर काटने के लिए बोल दिया था। और क्या क्या है? और सर डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर है, और इसके बाद में किडनी में प्रॉब्लम है और लीवर फैटी है, ये सब उसी की वजह से हो गया सर। ये ऑपरेशन हुए और उसके साथ जो है पूरी। अब कितने दिन से योग कर रहे हो? अभी हम तो सर 6 महीने से कर रहे हैं, और आपका गिलोय, आंवला, एलोवेरा और गौमूत्र ये कंटिन्यू ले रहे हैं सर सुबह से हम, और हमारा ये इन्फेक्शन टोटल मतलब इस समय ऐसी स्थिति आ गया है कि बिल्कुल 20 बार ऑपरेशन करा के इसको घाव हो गया था, वो बंद ही नहीं हो रहा था रिसाव। अब यहाँ कितने दिन हुए? अभी यहाँ तो हमें पांचवा दिन है। पांचवा ही दिन है। अब एक बार ड्रेसिंग नहीं किया सर मैंने, एक भी दिन ड्रेसिंग नहीं किया, कोई दवा नहीं खाई ना। स्वामी जी, तभी हम ये कहते हैं कि जहाँ पर डॉक्टर्स भी हार जाते हैं, कभी कभी योग और आयुर्वेद के जरिए वहाँ चमत्कार होता है। और इसलिए वो तमाम दर्शक जो हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं, वो बहुत उम्मीदों के साथ आपसे सवाल पूछते हैं। आपकी इजाजत से अब हम वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। हाँ, सवाल ले लो जी। नीलम छाबड़ा का सवाल है, उनकी 12 साल से दाई आंख में बीपी की वजह से सिस्ट बन गया है, जिसकी वजह से उन्हें डबल विजन की दिक्कत हो गई है, उन्हें क्या करना चाहिए? चेहरे के दाई तरफ उन्हें दर्द भी बराबर होता है। जिनको भी सिस्ट चाहे ब्रेन में हो, आंख के पीछे हो, या कहीं पर भी ब्रेस्ट में, यूट्रस में, उरी में, हाथों में, पैरों में, लाइपोमा, बेनाइन मैलिग्नेंट हो, एक एक घंटा कपालभाति करना पड़ेगा। और हमने कर्क्यूमिन गोल्ड एक्टिव है, उसमें 95 कर्क्यूमिन 95% है, तो वो जब तक ना मिले तब तक हल्दी खाते रहें खाली पेट। और शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्रभस्म 1 ग्राम, और 300 से 600 मिलीग्राम हीरक भस्म, ये सब मिला करके, और ये सब पाउडर जो है इसकी 60 पुड़िया बना ले, एक एक पुड़िया सुबह शाम खा ले, पूरी गांठ डिजोल हो जाएगी, डबल विजन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। कपालभाति अनुलोम विलोम एक एक घंटा कर ले, माने गांठ भी खत्म और विजन भी वापस लौट आएगा उसका। ग्लोकोमा को लेकर भी सवाल है स्वामी जी। संजय भवसार का ये सवाल है कि उन्हें ग्लोकोमा है, उपाय बताएं उसके लिए भी। ग्लूकोमा के लिए एक तो ये पॉइंट है, अनुलोम विलोम तो करना ही है। मैंने ग्लूकोमा हजारों लोगों का ठीक किया है। 200 ग्राम अमल के रसायन, 20 ग्राम सप्ताह मित्रो, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी। ज़्यादा ही हो जाए ग्लूकोमा तो रसराज रसो और वसंत कुसुमाकर भी उसमें एक एक दो दो ग्राम डाल करके सुबह शाम एक एक चम्मच ये चूर्ण खाएँ। एक एक चम्मच महा त्रिफलाघृत गाय के दूध में डाल के पिएँ, और त्रिफलाघृत को आँख में भी डालें, और ये अनुलोम विलोम करते रहें, पॉइंट दबाते रहें, 100% ग्लूकोमा अच्छा हो जाता है। ये मैं पिछले 30 सालों से ठीक कर रहा हूँ। सबसे पहला पेशेंट ओपी भाटी हमारे सहारनपुर की, वही का मैंने ठीक किया था और अभी तक ठीक है, वो जिंदा है अभी, जो 25 साल पहले ठीक है, उसके बाद तो हजारों लोगों का मैंने ठीक किया है। अगला सवाल नासिक से काजल पूछ रही है, उनकी माँ को 6-7 साल से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एलोवेरा आंवला वो ले रही है लेकिन बहुत आराम नहीं मिल पा रहा है, एसिडिटी के लिए उन्हें अब क्या करना चाहिए कि ये जड़ से खत्म हो? एक तो एसिडिटी है तो आंवला थोड़े दिन बंद कर दें, एलोवेरा, वीट ग्रास और लौकी ही लें, और थोड़ी दिन सलाद लें और लौकी कल्प कर लें, लौकी का जूस या लौकी का ही सूप लें, तो एसिडिटी 100% अच्छी हो जाएगी। फिर भी एसिडिटी ज़्यादा है तो अविपत्ति कर्ण चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, ये मिला करके पाउडर 2-2 ग्राम सुबह शाम ले लें, इससे 100% एसिडिटी ठीक हो जाती है। अब कई चीज़ें मिलाने के बजाय आजकल तो हमने एसिडोग्रिट बना दी है, उसी को ले लें तो उससे भी ठीक हो जाती है। और सामान्य रूप से खान पान में जितना सब्जियां, फल ज़्यादा लेंगे, खाने के घंटे बाद पानी पिएंगे, खाना चबा चबा के खाएंगे, तीखा तला ना खाएंगे, तो 100% क्योर हो जाएगी एसिडिटी। आप जैसे की बात कह रहे हैं स्वामी जी, अच्छा खाएं, तला भुना कम खाएं, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। लोग इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि अच्छा खाना पीना कोलेस्ट्रॉल के लिए भी जरूरी है, लेकिन फिर भी बैड कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है, क्या ये भी जेनेटिकली ही इसकी वजह हो सकती है? जीन्स भी इसकी सबसे बड़ी वजह है? जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, और जेनेटिकली एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल वो भी हाई रहता है, बहुत लोगों का 60-70 तक होता है, उनको कभी ज़िंदगी में हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल भी यदि किसी का जेनेटिकली हाई है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी,
इसका काढ़ा बना के पिए और लौकी का सूप या लौकी का जूस पिए, जेनेटिक्स कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा होगा। ये मेरे साथ में बैठी हुई है, तुमको क्या था, कितने परिवार में कितने लोगों को बवासीर है? मेरी नानी को भी था और मेरी मम्मी को भी था, मेरे बड़े भाई बहन सभी को बवासीर की शिकायत। और आपको भी हो गई थी? मुझे भी परेशानी होने लगी थी, मुझे डॉक्टर से बताया तो डॉक्टर ने बोला कि शायद आपको भी उसी का असर है। उसके बाद से मैंने गौमूत्र अर्क और एलोवेरा जे एलोवेरा और क्या बोलते हैं गिलोई, गिलोई तो मैं शुरू से ही उसका काढ़ा बनाकर पीती थी। फिर स्वामी जी का ये आ गया सरप तो वो पीने लग गई। उसके बाद आज तक मैं वही दवाइयाँ ले रही हूँ। अब क्या हाल है तुम्हारे? बिल्कुल सभी ठीक है। मेरे बड़े भाई ने भी अपना ये छोड़ के और उन्होंने भी योग करना शुरू किया, वो भी ठीक है। स्वामी जी के आश्रम में पीढ़ियों से बवासीर और भगंदर भी चलता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक भी होता है। उसका एग्जाम्पल क्या नाम है आपका? राधा बुंदेला। राधा, तो ये राधा जो है पूरे फैमिली में हिस्ट्री थी बवासीर की। अब वो कपाल भाती अनुलोम विलोम करके और साधारण से औषधियाँ बताते हैं, नहीं तो बवासीर ज्यादा ही है तो ठंडे दूध में एक कप दूध में नींबू निचोड़ के पी लो और प्राणायाम कर लो, ठीक। इतनी बातें और इनसे लोग मानी पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान है। स्वामी जी आर्थराइटिस को लेकर भी ये सवाल है, क्योंकि उसमें भी लोगों को यही लगता है कि उम्र के साथ साथ आर्थराइटिस भी बढ़ता रहता है, लेकिन आजकल छोटी उम्र में भी लोगों को ये अपनी जकड़ में ले लेता है। योग के जरिए आर्थराइटिस को लेकर लोगों की चिंता कैसे दूर हो सकती है? और खासतौर पर छोटे बच्चों में ये क्रैम्प्स की जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो जाती है? देखो क्रैम्प्स तो जो ज्यादा मीठा खाते हैं उनको हो जाता है, चंद्र प्रभा वाटी खा ले, जो है बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी होता है, तो इसमें और भी जो माइक्रो न्यूट्रिशंस उनकी कमी से हो जाता है। तो एक तो मोरिंगा जिसको सहजना बोलते हैं उसका काढ़ा पी लें, मोरिंगा की टैबलेट खा लें, स्प्लिनर की टैबलेट खा लें, या चंद्र प्रभावटी अश्वशिला ले लें, तो ये क्रैम्प से नहीं आएंगे। और जेनेटिक अर्थराइटिस, एक तो यहाँ बेटी आई 22 साल की, क्या नाम था उसका, कहाँ है ये, इधर आ, तो आप उधर जाओ, हाँ? ये तो जकड़ गई थी पूरी तरह से। और एक आई जो है सुमन, कौन सी है, तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ। अब ये मैं लाइव बता रहा हूँ, ये तो मुंबई से आई इसलिए, और इसको क्योंकि थोड़ा कफ का भी प्रकोप रहता, बैठ जा बेटा, तो इतनी ढकी हुई है सब तरह से, इसको पूरा जकड़ी हुई थी, पैर सामने खोल ले, और इसके घुटने भी पीछे चले गए थे, हाँ? अब इसने अपना अर्थराइटिस पूरा अच्छा कर लिया है। क्या क्या किया था तुमने जी? जो इंडिया टीवी पर हम रोज बोलते हैं गिलोई पियो, गिलोई पिया। और जी पिछले साल अगस्त के महीने में मेरा अपर बैक और शोल्डर्स पूरा जकड़ गया था और रात को हाथ पैर टेढ़े होते थे, टेढ़े होते, हाँ, तो गिलोई पी के 4 दिन में वो बंद हो गया। 4 दिन में बंद कर लिया, ये बड़ी बात है। कहाँ से हो बेटा तुम? मुंबई से। और उम्र कितनी है? 22 जी। और फिर उसके बाद मुझे जगह पे बैठने की आदत नहीं है, पहले से ही कसरत करती थी, तो फिर मैं वॉक पे चली गई तो दूसरे दिन फिर उठ ही नहीं पाई, पता चला शाटिका हो गया है। 3 किलोमीटर चल लिए, डॉक्टर ने बोलिया तेरा ओवर वर्क कर लिया, अब इसका शाटिका हो गया, तो वो यहाँ करके ठीक कर लिया। हाँ शाटिका भी सिर्फ 5-10% बाकी है, बाकी पूरा चल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये लो। और घुटने जो है अंदर चले गए नॉकनी इसके जैसे, वो भी अभी कम है उसमें पे। अब ये घुटने भी अंदर की तरफ दस गए थे, अब वो भी इसके ठीक कर रहे हैं। ये तो 22 साल की है, तो कितने साल की है स्वामी जी? 55 की। किसको था आर्थराइटिस? मम्मी के। मम्मी से जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। तेरा क्या स्वामी जी? देखो ऐसे हड्डी बढ़ गई थी, ये हड्डी देखो अभी भी इसकी दोनों पैरों की ये बड़ी भी दिख रही है। टेम समय ऑपरेशन बता दिया था, फिर मैंने मना कर दिया ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, स्वामी जी के शिविर में जाना है मुझे। फिर क्या हुआ अभी? अब दौड़ती हूँ मैं, चला नहीं जाता था फिर से, दौड़ती हूँ मैं। यही 5 दिन हुए मुझे आज, 5 दिन में दिल्ली से, योगा टीचर भी हूँ मैं। ये लो, अब इसको माँ के हड्डी बड़ी हुई थी एड़ी की, और इसकी भी बड़ी हुई है, देख लो ये दोनों में बड़ी हुई है, कोई भी देख सकता है। देखो दर्द होता था रात में सोते सोते, और आप दौड़ने लग गई 5 दिन। कितनी देर करती है कपाल भाती? आधा घंटा। लोगों का एक्सपीरियंस तो आपके माध्यम से हमें पता लगता है, लेकिन यकीन मानिए हमारे यहाँ भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो योग के एक्सपीरियंस को ही शेयर करने की कोशिश करते हैं। और मैं जानती हूँ इसीलिए क्रैम्प्स का सवाल मीनाक्षी ने आपसे पूछा था। एक सवाल, क्योंकि हमने बच्चों का जिक्र किया था तो ये जानना था कि अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको गिलोई दे सकते हैं, और कितनी मात्रा में दे? बच्चों को गिलोय
एक तो जूस ही पिला दें, वो करीब 25 ml उसमें थोड़ा शहद मिला करके। गिलोय की गोली भी छोटे बच्चे, 5-6 साल से छोटे बच्चे तो आधी गोली, 5 साल का बच्चा है तो एक गोली, और 10-12 साल के बच्चे हैं तो दो गोली तक ले सकते हैं। आपने कितना लिया था बेटा? गिलोय ने 2 चम्मच पी, मात्र 2 चम्मच। हाँ, 2 चम्मच गिलोय हनी के साथ। वो कहाँ, गोली की डंडी कूट के? नहीं, सिरप आता था आपका, तो पतंजलि का बस वो गिलोय का रस आता है, वही पिया 4 दिन। और स्वामी जी आपके साथ तो जैसे एक चम्मच बच्चों को, बड़ों को 2-4 चम्मच। आपके साथ जिन महिला को हमने सुना ना जो ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, ऐसे ही राजेंद्र प्रियदर्शी का भी सवाल है, उनकी माँ भी ऑपरेशन कराने को राजी नहीं है, हालांकि उनके गाल में 4 साल से घाव है और डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए उन्हें बोल रहे हैं, वो भी रेगुलर योग करती है इसलिए वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। तो देखो, कायाकल्प नीम और गिलोय, कायाकल्प 2-2, नीम और गिलोय 1-1, ये ले ले, उनका घाव अपने आप अंदर से भर जाएगा, और दूध में हल्दी ले ले थोड़ा, पूरा घाव भर जाएगा। और किसी को ऐसे ही छाले छूले हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे घाव बढ़ता चला जाता है, तो नीला थोथा उसको आग तवे पर डाल के भून करके थोड़ा गैरू मिला करके और लगा करके पानी बाहर निकाल दें, एक ही दिन में छाला ठीक हो जाता है और घाव अंदर से भरने लग जाता है। स्वामी जी आपका गोल्डन मिल्क तो मैं जानती हूँ, बहुत बड़ा था, क्या चीज है। स्वामी जी गोल्डन मिल्क तो आपका बहुत अच्छा उपाय है। एक मिनट सुरभि, आपने अभी एक ये जो नुस्खा बताया उसमें आपने कहा नीला थोथा, ये नीला थोथा क्या चीज है? ये नीला थोथा, ये पंसारी के यहाँ मिल जाता है, नीले नीले कलर का होता है, तो इसको बस तवे पे राके भून लेना है, तो एक बार पानी जैसा होगा, बाद में पानी सूख जाएगा तो ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसमें गैरू मिला के लगा ले। ये छाले की अक्सीर दवा है, संजीवनी है छाले के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें बताते हैं। और एक हमारे यहाँ पंकज आ रहे बैठा है, किधर है पंकज? तुमको शुगर? शुगर और वीकनेस थी, जेनेटिक है, जेनेटिक बाबा से थी। ओ, तो जेनेटिक, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी, इसके अलावा अभी मैंने पूछा जेनेटिक अर्थराइटिस, और जेनेटिक में कौन सा बच गया भाई? इसको देना भाई, लास्ट वाले को। अरे उसको तो एक तो यहाँ पर आई भी है, चल फिर नहीं सकती थी, उसका पति उसको टॉयलेट करवाता था। स्वामी जी एक सवाल मेरा भी है जेनेटिक इश्यूज को लेकर। महामुनि बोरा असम से आए, मेरे को बहुत हुआ था एकदम। ये बंगाल से आई है? नहीं, असम। असम से आई है। इसका पति इसको टॉयलेट कराता था, कपड़े साफ करता था, पूरा बॉर्डर में था, इसमें भी था, इसमें सब शरीर पे था, अभी पूरा ठीक हो, खाली गठिया में अभी थोड़ा सा, अब खाली घुटने में बचा है। इसका आर इफेक्ट 500 था, अभी 15 आ गया। कुछ पूछ रहे थे आप सुरभि जी? जी स्वामी जी, आर्थराइटिस की हमने बात की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड, डायबिटीज, अस्थमा, लेकिन स्किन एलर्जीज भी, और स्किन की कई ऐसी हालांकि बीमारियां होती है जो माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है, ये कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनके उपाय क्या है? देखो, सफ़ेद दाग भी ट्रांसफ़र होता है, सोराइसिस, एक्जिमा भी ट्रांसफ़र होता है बच्चों में, स्किन एलर्जी भी ट्रांसफ़र होती है बच्चों में। इसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कायाकल्प नीम गिलोय। ये 2 साल ये लो, इसको सफ़ेद दाग था, हाँ जी, इसको भी ठीक कर लिया इसने, कायाकल्प नीम गिलोय खा करके इसने अपना सफ़ेद दाग ठीक कर लिया, अभी दिखा रही थी जब जैसे नाम बोला, तो कायाकल्प नीम गिलोय का सेवन करें, कपाल भाती अनुलोम विलोम करें, दूध के साथ नमक ना लें, विरुद्ध आहार ना करें, रात को दही छाछ ना लें, खाने के 1 घंटे बाद दूध पिए, छोटी छोटी चीजें, स्किन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। और अनुलोम विलोम कपाल भाती है तो कतई नहीं छोड़ना। और इस सीजन में तो अगर हम एलर्जीज की बात करें तो ना सिर्फ स्किन एलर्जीज बल्कि आपकी सीजनल चेंज में भी जो एलर्जीज होती हैं, चाहे वो मेरे को बीपी था, तो बीपी मेरा अभी यहाँ आने के बाद में कितना था? बीपी था मेरे को सर 100 and 170, और बाप रे बाप, अभी यहाँ 7 दिन के बाद मेरे 85 और 130 आ गया। कितने, किसको था जेनेटिकली? मेरी मदर को था सर, माँ से आया था इसको। कहाँ से हो तुम? मैं वैसे तो हिसार से हूँ, सेटल से नहीं, हरियाणा से लेकर के
और असम से लेकर के मुंबई से लेकर के पूरा भारत हमारे साथ यहाँ पर बैठा हुआ यूपी। चलिए स्वामी जी, तो आप... कोई बीमारी हो सुरभि जी, जी सारी बीमारियां ठीक होंगी। अब कल का प्रोग्राम और बता दो। मैं यही कहना चाहती थी कि मैं कुछ यंग इंडिया के लिए खास योगाभ्यास क्या है इस बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि कल का खास शो हमारा इसी से है। कल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जानिए यंग इंडिया के लिए खास योगाभ्यास, शक्तिमान बुद्धिमान आदर्शवान। कौन सा योग आपके वैचारिक स्तर को बनाएगा महान, बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57। स्वामी जी, योग एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए ना सिर्फ आप शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी खुद में बहुत बदलाव ला सकते हैं। आप कुछ कहते हैं स्वामी जी? मैंने कहा पूरे भारत को ही युवा दिवस पर युवा बनाएंगे जी। और सब रोगों को हराएंगे, योग जीतेगा, भारत जीतेगा और कोरोना से लेकर के सब रोग हारेंगे। बोले भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, शुक्रिया। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आगे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कैसे किया लश्कर के गौशाला वाले सीक्रेट ठिकाने का भंडाफोड़।